क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 0 रुपए की नोट क्यों छापे गए थे? अगर आपको नहीं पता तो आइए आज हम आपको बताते हैं। 0 रुपए के नोट पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई है। यह बिल्कुल दूसरे नोटों की तरह दिखाई देता है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर 0 रुपए के नोट क्यों छापे गए, इस नोट का होता क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने इन नोटों को नहीं छापा था। इस नोट को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के तहत छापा गया था। इस 0 रुपए के नोट को छापने का आइडिया दक्षिण भारत की एक NGO का था। साल 2007 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस नोट को हथियार के रूप में शुरू किया गया था। तमिलनाडु में काम करने वाली इस NGO ने करीब 5 लाख 0 रुपए के नोट छापे थे। इन नोटों को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 4 भाषाओं में छापा गया था, जिसे लोगों में बांट दिया गया। इस नोट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मैसेज लिखे थे। इन नोट पर लिखा था, भ्रष्टाचार खत्म करो, अगर कोई घूस मांगता है तो इस नोट को दें और मामले के बारे में हमको बताएं, ना लेने की और ना देने की कसम खाते हैं। इस नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नोट पर नीचे NGO का फोन नंबर और ईमेल ID दी गई थी। NGO ही इस 0 रुपए के नोट को बनाती थी और रिश्वत मांगने वाले लोगों को देती थी। 0 रुपए का नोट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रतीक था।